सब बुढ़े हो रहे हैं, कुछ लोग जवान भी हो रहे हैं लेकिन बुढ़े ज्यादा हो रहे हैं। ट्रेन में चल रहा है इन सारी चीजों का मतलब, लोग अपना खुद का प्रो डाल के बुढ़े बन रहे हैं। बात अब यहाँ पर आके रुक गई है कि हम बुढ़ा बनने जैसे ही उस ऐप का यूज करते हैं वो ऐप ससुरा काम ही नहीं करता है। तो उन सारी चीजों का अगर प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आप को बुढ़ा दिखा सकते हैं। फिलहाल वो ऐप अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, काफी लोगों के मन में यही है, बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार, सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी नाम है हमारा और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं चौबीस टेक्निकल। दोस्तों, आपने आज के समय में अभी एक बात देखी होगी कि जैसे ही इंडिया टीम मतलब सेमीफाइनल हार कराई तो वैसे ही सारे प्लेयरों का मतलब एक ऐसा फोटो वायरल हुआ जिसमें वो सारे बूढ़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने भी मतलब प्लेयर थे, विराट कोहली हुए या फिर धोनी हुए, इन सब का मतलब एक बुढ़ापे का फोटो वायरल होने लगा। यानी कि ये बूढ़े कैसे हुए, सब ये सोचो कि ऐसा फोटो बनता कैसे यार, काश हमारा ही फोटो ऐसा बने, क्योंकि हर इंसान तो चाहता है हमारा खुद का भविष्य देखना। तो ऐसे ही ठीक काफ़ी अनिल कपूर जी हुए या फिर रणवीर सिंह, ऐसे काफ़ी से बॉलीवुड जो भी है ना, सारा बॉलीवुड बुढ़ापा में चला गया एक प्रकार देखा जाए तो। अब ऐसे ये फोटो वायरल होते गए हर सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, काफ़ी लोग अपने स्टेटस पे लगाते गए। कुछ लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये फोटो मतलब बन कैसे रहे हैं या फिर कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने इसका उपयोग भी किया और काफ़ी लोगों ने अपना खुद का फोटो भी बुढ़ापे के साथ जोड़ा या फिर उसमें अपने खुद के दाढ़ी मूछें लगवा ली। अच्छा लगता है ऐसे यूज करने पर। बात यहाँ पर ये आती है कि मतलब क्या पहले चीज़ ये नहीं थी, पहले भी ये बात थी, बट हम भारत के लोग क्या है कि जब कोई चीज़ अचानक ट्रेन में चलती है ना तो उस चीज़ को इतना ऊपर लेके चले जाते हैं ना कि मतलब खुद नहीं समझ सकते। जैसे कि उससे पहले जेसीबी वाला मेटर आया था जो काफ़ी ट्रेन में अचानक आ गया था, ठीक उसी प्रकार अभी ये ट्रेन में चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि पिछले मंगलवार से, सॉरी इसी मंगलवार से, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मंगलवार से जिस ऐप का यूज करके लोग अपने आप को बुढ़ा बता रहे थे और अपने अभी जो उम्र जो है ज़्यादा उम्र बता रहे थे कि हम मतलब इस फ्यूचर में ऐसे नजर आएंगे, वो ऐप अब क्या है भारत के अंदर अब वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो चुकी है, वो काफ़ी लोग क्या मुझे भी ये प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि हम उस ऐप के अंदर जैसे ही अपने फोटो अपने डालते हैं कि इस फोटो को आप मतलब फिल्टर करके बुढ़ापा का फोटो बनाइए। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये ऐप जो मतलब ऐप है अभी जो चल रहा है, इस ऐप का नाम है फेस ऐप। काफ़ी लोगों को ये बात पता है लेकिन कई जनों को नहीं पता है, तो मैं चाहता हूँ बता दूँ कि उस ऐप का नाम क्या है, फेस ऐप। ये जो ऐप है ये मतलब AI टेक्नोलॉजी मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। दोस्तों यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अर्थ ये है आने वाले समय में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फटाफट प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, सुंदर पिचई ने भी इसके बारे में मतलब बातें की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब जो है आने वाले समय बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनने वाली है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है दोस्तों जिसके अंदर मतलब एक कंप्यूटर एक मनुष्य के रूप में कैसे सोच सकता है। ठीक है, ये मतलब AI इसी ऊपर काम करता है। ठीक उसी प्रकार इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्धारित करके मतलब फेस ऐप जो ऐप है एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर मौजूद है। अब बात क्या है कि ये इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है और किसी का फोटो मतलब फिल्टर करके रिकॉग्नाइज करके उसको क्या करता है वो फ्यूचर में या फिर पास्ट में लेके चला जाता है। अगर आपका अभी का फोटो है वो चाहो तो आप मतलब बैक जा सकते हो कि हमें बचपन में कैसा नजर आता था या फिर आ सकता हूँ या फिर अभी का जो हो मैं तो बचपन में कैसा नजर आऊंगा, ये सामान्य रूप से उस मतलब इस पे वर्क करती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मतलब अभी भारत में जो ये चीज़ है ये वर्क क्यों नहीं कर रही है। तो बात क्या है दोस्तों, काफ़ी लोग ये है कि मेरे हिसाब से मेरा मानना जहाँ तक ये है कि काफ़ी लोग इस चीज़ का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है रूस के द्वारा मतलब रूस का कोई डेवलपर था, ऐप डेवलपर इसने बनाया था। ठीक है, तो ये मतलब भारत के अंदर इस चीज़ का सर्वर डाउन चल रहा है, तो सर्वर जब डाउन चल रहा है तो कोई भी इंसान इसका मंगलवार के बाद यूज़ नहीं कर पा रहा सही से। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप इसका अच्छे से किस प्रकार यूज कर सकते हैं और कैसे मतलब इसको मतलब जो प्रॉब्लम एरर आ रहा है उसको आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि आप अपना फोटो को किस प्रकार उस ऐप के अंदर यूज करके फ्यूचर या फिर पास्ट में जा सकते हैं तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस को पूरा रिकॉर्डिंग करके आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार के नए जो सॉल्यूशन है आपको मैं देता रहूंगा चौबीस टेक्निकल चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप फेस ऐप को मतलब जैसे कि आप इसको ओपन करते हैं शुरुआत में और आप अपना मतलब यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे लेके आते हैं तो अलाउ करके और किसी फोटो को देखिए हम अंदर लेके आते हैं, जैसे किसी को भी चूज कर लीजिए, मैंने चूज किया। ठीक है, और देखिए ऐसे होते ही फिर क्या होता है समथिंग
वेंट रॉन्ग ऐसे कुछ लिखा हुआ जाता है, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। दरअसल देखिए बिली नाश्ती आ गई, फिर रिट्राई लिखा हुआ आ गया, मतलब बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को भी आ रही थी। अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए अब क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है, और आपको एक टर्बो वीपीएन नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पर लिखा टर्बो वीपीएन TURBO VPN, ठीक है, सबसे पहले जो ऐप आएगा इसी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, सीधे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे स्टेप मैं फॉलो करूँ वैसे आपको स्टेप फॉलो करना है। अब जैसे ही ओपन होगा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक मतलब ग्लोबर मतलब पृथ्वी का निशान नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके फिर फ्री वाले पे क्लिक करिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट फास्टेस्ट मतलब नेटवर्क जो लिखा हुआ है इस पर मतलब क्लिक कर लेना है सबसे ऊपर वाले पे। और जैसे ही कनेक्टिंग हो जाएगा अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अपना फेस ऐप जो है उसको वापस पूरा बंद करना है, क्लोज करके वापस ओपन करना है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी चलिए मैं इसको क्लोज कर चुका हूँ फेस ऐप को, ये कनेक्ट होते ही अपने फेस ऐप को मतलब मैं ओपन करूँगा। अब चलते हैं फेस ऐप की तरफ, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ही किसी फ़ोटो को अब इसको मैं अपलोड करता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से किसी फ़ोटो को मैं आराम से चेंज कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। मैं इस किसी फ़ोटो को एक बार चूज कर लेता हूँ जो मुझे फ़ोटो अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं इस फ़ोटो को मैंने चूज कर लिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपका रुक जाता था लेकिन इस बार निकल पड़ेगा। और देखिए हो चुका है ये काम आपका, और यहाँ पर आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे पहले दाढ़ी अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो चलिए बीएड वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप मेरे पॉइंटर पे मतलब ध्यान दीजिए, तो मैंने ओल्ड वाले पे क्लिक करके पहले इसको वो कर लिया मतलब बुढ़ापा वाली जो उम्र होती है इस पर लगा दिया मैंने। अब देखिए अप्लाई हो जाएगा कुछ देर में अपने आप ही। अब देखिए अप्लाई हो चुका है, काफ़ी मतलब फनी थोड़ा नज़र आ रहा है कि थोड़ा मतलब ओल्ड टाइप का हो चुका है। अब ऐसे ही आप मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बीएड भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बीएड करके दिखा देता हूँ एक बार। अब देखिए मान लीजिए मैं एक और नया फोटो लेकर आता हूँ, इस फोटो को मैं देखिए चेंज करके बताता हूँ कैसे भी करके। देखिए पहले आपका यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा था लेकिन अब ये अंदर आ चुका है, फोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं दाढ़ी लगा के दिखा देता हूँ आपको, दाढ़ी भी लग सकती है, देखिए ऐसे हो सकता है, युवा कहते हैं जिसको, और फिर बुढ़ापा कुछ भी यहाँ पे संभव है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब काम करता है। देखिए कितना खतरनाक बूढ़ा बनाया है। तो एक सामान्य रूप से एक ऐप है, इसका आप आराम से यूज कर सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए टर्बो वीपीएन नाम का ऐप बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप सबने अभी वीडियो के अंदर देखा कि मैं किस प्रकार किसी फोटो को कैसे मतलब बुढ़ापे में या फिर पहले लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इन बातों को आपने समझ लिया होगा। इसके अंदर एक बात अभी ध्यान दिया होगा, सर्वर डाउन चल रहा है भारत के अंदर तो ये ऐप अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टर्बो वीपीएन नाम का एक ऐप आता है उसका यूज किया, ठीक है, और मैंने उस ऐप के अंदर सामान्य रूप से आपको बता भी दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ कर जाएं और कोई भी सवाल पूछे उसका जवाब हम देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी फिलहाल आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार आने वाले समय में और अच्छा वीडियो देने वाला हूँ जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।